महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती टाउन हॉल स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माले अर्पण कर मनाई गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के नीचे एक सभा का आयोजन किया गया। नगर निगम परिसर से पद यात्रा करते हुए सभी कांग्रेसी गांधी प्रतिमा पर पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता राम के गीत नेतागण गुनगुनाते रहे। जयंती के अवसर पर तमाम नेतागण ने बापूजी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर अपने अपने विचार रखे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर समस्त कांग्रेस जनों ने शपथ लेते हुए कहा कि हम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बापू के बताए हुए सत्य अहिंसा एवं सह अस्तित्व के मार्ग पर चलते हुए राष्ट्र की एकता अखंडता सहिष्णुता और सौहार्द को बनाए रखेंगे। हम बापू के सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत पर अडिग रहते हुए भारत को स्वावलंबी एवं प्रगतिशील बनाने की दिशा में सतत प्रयासरत रहेंगे की शपथ ली। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राकेश यादव ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर गांधी जी के बताए रास्तों पर समस्त कांग्रेस जनों को चलने के लिए प्रेरित करता रहूंगा। बापू जी के बताए रास्ते पर चलने के लिए समस्त कांग्रेस जन आज के दिन संकल्पित हुए हैं। इस अवसर पर पूर्व महानगर अध्यक्ष शरतेंदु पांडे, दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, पवन बथवाल, राजनम यादव, टीपी शाही, इब्देता हुसैन, अजय पांडे, भानु सिंह, प्रेमलता चतुर्वेदी, उदय वीर सिंह, नवीन सिन्हा, मार्कंडे सिंह, दिलीप कुमार निषाद, स्नेहलता, दिलीप जायसवाल, डॉक्टर पी एन भट्ट, उमेश कांत खन्ना, जयंत कुमार पाठक, शोभा प्रसाद, हजारीलाल जायसवाल, तेज नारायण श्रीवास्तव, संजीव सिंह सोनू सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष प्रेमलता चतुर्वेदी और कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष राकेश यादव ने कहा, आराम से चलिए। गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। और सम्मानित कांग्रेस जन भी आए हुए हैं हमारे इस महानगर के, और सम्मानित हमारे कांग्रेस जन यहाँ पे हैं, उनको उनसे मैं चाहूँगा को वो दो तीन लोग अपने संबोधन को रखें और उसके बाद संकल्प। हमेशा आंदोलन करते रहे, उस आंदोलन के बाद जब तवारिश में एक गुजरात में बैठक हुई जिसमें उन्होंने तो कहा था भारत छोड़ो नहीं और खदेड़ने का काम किया गया है। और उस मीटिंग में भूला भी बैठे थे। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में भी एक तरह से विचारों का अंतर्द्वंद रहा, और अंतर्द्वंद ही नहीं रहा बल्कि दलितों के उद्धार के लेकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दोनों का एक ही मत था। लेकिन किस रूप में किया जाए, गोलमेज राउंड कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने कहा था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को कि हमें पहले स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ये दलित हमारे छोटे भाई हैं और स्वतंत्रता के पश्चात हम इनको न्याय करेंगे, इनको स्वतंत्र बनाएंगे, इनकी जो दासता का जीवन है उसको समाप्त करेंगे। ये सभी जिम्मेदारी हम आप सभी के ऊपर है, और यदि हम ऐसा करते हैं तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संकल्प को और उनके विचारधारा को हम देश में स्थापित करके राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रख सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आज महात्मा गांधी जी के जयंती जन्मोत्सव पर हम कांग्रेस जो गांधी जी के पर्याय है एक शपथ ग्रहण शपथ करेंगे। आप लोग किसान को दोहरा कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर शपथ लेते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बापू के बताए हुए सत्य अहिंसा एवं राष्ट्र की
की एकता, भारत की एकता, अखंडता, सहिष्णुता और सौहार्द को बनाए रखेंगे। हम बापू के सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत पर अड़े रहते हुए भारत को स्वावलंबी एवं प्रगतिशील बनाने की दिशा में सतत प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। चतुर्वेदी, महिला जिला अध्यक्ष। हम लोगों ने गांधी जी के विचारों को जीवित करने के लिए और पनपाने बढ़ाने के लिए हर ब्लॉकों में पौधों को वितरित किया है। जैसे जैसे हमारे पौधे वितरित होंगे वैसे वैसे हमारे गांधी जी के विचार, सत्य अहिंसा के जो उनका नारा था, वो बढ़ेगा। और हर कांग्रेसी अहिंसावादी है, सत्यता के रास्ते पर चलने वाला है। गांधी जी के विचार नहीं जैसे मरेंगे वैसे ही हम कांग्रेसी कभी भी नहीं। जो मोदी जी ने यह कल्पना की है कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, इससे हमारी जड़ें मजबूत हो रही हैं, लोग हमारे तरफ झुक रहे हैं, और कभी भी कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो पाएगा। गांधी जी के 150वें जन्मदिवस के अवसर पर और शास्त्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय राज बब्बर जी ने एक कार्यक्रम चलाया था। 25 तारीख से लेकर 1 तारीख तक हम लोग गांव-गांव में जाकर, मोहल्लों में जाकर, हमारे पूरे यूनिट, कांग्रेस की पूरी यूनिट, महानगर कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, महिला संगठन, NSY, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, सब लोगों ने मोहल्ले मोहल्ले, गली गली जाकर गांधी जी के नीतियों और सिद्धांतों को जन जन तक पहुँचाया। आज 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जी के बताए हुए नियम का शपथ लिए हैं वह गांधी जी के मूर्ति के पास, और सदैव गांधी जी के सिद्धांतों पर अमल रहने का हम लोगों ने वचन दिया है। और जो भी पार्टियां गांधी जी के सिद्धांतों का हनन कर रही हैं, जो पार्टी ये कहती है कि जो है कांग्रेस मुक्त भारत, तो हम बताना चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत यानी गांधी जी के सिद्धांत मुक्त भारत ऐसा कदापि नहीं होने पाएगा। जब तक कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जिंदा है, कांग्रेस जो है वो गांधी जी के सिद्धांत जिंदा रहेंगे और लोगों तक फैलते रहेंगे।